दोस्तों द केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। वो आरोप क्या लगाया है ये हम आपको बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों अदा शर्मा स्टारर द केरला स्टोरी में धर्मांतरण और आतंकवाद से जुड़ी एक ऐसी कहानी को दिखाया गया था जिसे देखकर दर्शकों की रूह कांप गई थी। अप्रैल में रिलीज हुई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। सुदीप्तो सेन द्वारा बनाई गई द केरला स्टोरी को भले ही बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म ने देश भर में बहुत शानदार कलेक्शन किया था। सिर्फ 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 240 करोड़ रुपए कमाए थे। आपको बता दें कि अब ये फिल्म कुछ ही थिएटर में लगी हुई है और वहां से भी जल्द हटने वाली है। ऐसे में मेकर्स द केरला स्टोरी के लिए OTT पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक फिल्म को किसी भी प्लेटफॉर्म ने नहीं खरीदा है। दोस्तों TV और OTT प्लेटफॉर्म से द केरला स्टोरी को कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने पर सुदीप्तो सेन ने अपना जवाब दिया है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में सुदीप्तो सेन ने बताया कि उन्हें ना तो अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म और ना ही TV की तरफ से कोई खास ऑफर मिला है। डायरेक्टर ने यह भी बताया कि फिल्म इंडस्ट्री मिलकर उन्हें ये सजा देने की कोशिश कर रही है और इन्हीं वजह से अभी तक उनको TV और OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई भी ऑफर नहीं मिला है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, सुदीप्तो सेन ने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री पर ये आरोप लगाए हैं ये सही हैं या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।